बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ और ढेर सारी दुआएं रही हैं शादा की अमान में। और जी मुझे 100% यकीन है कि माएँ अपनी ब्यूटी को लेकर तो परेशान थी, जिनकी बच्चियाँ हो चुकी हैं छोटी, अब वो उनको उनकी ब्यूटी की प्रॉब्लम भी जो है वो शामिल हो गई है उनकी इस परेशानी में कि उनके हेयर का जो है ख्याल रखना, उनके बाल लंबे होने चाहिए, उनकी रंगत अच्छी होनी चाहिए, उनके जो है लिप्स पिंक होने चाहिए। तो आज मैं बात कर रही हूँ पिंक लिप्स पे। अक्सर बच्चियाँ जो है उनके हैबिट एक हो जाती है, मेरी अपनी बच्ची की भी ये हैबिट हो गई है कि वो अपने जो टंग है वो फेरती रहती है, जुबान जो है वो लिप्स में लगाती रहती है, और उसकी वजह से उसकी जो है बहुत ड्राई हो जाती हैं लिप्स, और उसकी वजह से उसकी ब्लैक जो कॉर्नर है लिप्स के वो ब्लैक हो चुके हैं। तो फिर मुझे देख के कहेगी, मम्मा मेरे तो ऐसे लिप्स हैं, आपके तो ऐसे नहीं हैं, तो ये क्यों है। तो उसको जो है कैसे क्योर करना है, आज उस पर बात कर रही हूँ मैं। और उसके लिए टू स्टेप्स में जो है ये ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, और ये मैं कर चुकी हूँ अपनी बच्चियों पे, और बहुत 100% रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो फर्स्ट स्टेप जो है उसमें आपने लेना है जी यहाँ पे शुगर। ये शुगर जो है इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है, क्योंकि मेरे पास थोड़े मोटे मोटे ग्रेन्स थे। अगर आपके पास बारीक वाली शुगर है तो आप उसको एज इट इज ले सकते हो। उसके बाद इसमें क्या करना है, ऐड जी मेरे पास है यहाँ पे फूड कलर रेड, रेड फूड कलर है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एक तो ये हार्मफुल नहीं होगा, अगर लिप्स की बात है तो अंदर भी जा सकता है बच्चों के। अच्छा, इसकी क्वांटिटी जो है आपने थोड़ा इसमें मिक्स करके देख लेना है, और उसके बाद आप और भी ऐड कर सकते हो। इससे एक तो ये होगा कि ये एक्सफोलिएट होगी, ये फर्स्ट स्टेप जो है ये हमारा है लिप्स को एक्सफोलिएट करने का, और ये वॉशरूम में आपने बना के रखना है, और बच्चियाँ जो हैं जैसे ही फेस वॉश करने जाएंगी वहाँ पे जो है इसको लिप्स पे अप्लाई करेंगी। और बहुत शौक से करती है, मेरी बच्ची बहुत शौक से करती है, छोटी इवन के वो 5 ईयर्स है, 5 and a half years की है, वो भी बहुत शौक से करती है ऐसे ट्रीटमेंट्स। तो इसको वॉशरूम में बना के रखना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी ऑलिव ऑयल, क्योंकि जो हमारे पास कोकोनट ऑयल है उसको हम ऐड नहीं कर सकते इस वेदर में, वो जो है जम जाता है। तो इसका मैंने 1 teaspoon जो है यूज़ किया है, आप देख लीजिएगा आपके पास कितनी शुगर की क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपने करना है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। एक बहुत ज़बरदस्त जो है स्क्रबर बन जाएगा लिप्स के लिए। और इसमें जो फूड कलर जो हमने पिंक कलर डाला है, अगर आपके पास जो फूड कलर लिक्विड है तो वो उससे भी बेस्ट है, मेरे पास रेड कलर नहीं था, बाकी सारे फूड कलर जो है लिक्विड में है, रेड नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको पाउडर फॉर्म में जो मिलता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। एक तो एक्सफोलिएटिंग भी होगी और दूसरा जो है लिप्स भी पिंक हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो है पानी लगा के मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ कि ये कलर जो है इसका ठीक है इसके लिए, या और इसमें डालना पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक है जी, इससे ज्यादा इसमें ऐड नहीं करना, ये आप देख सकते हो इस तरह जो है लिप्स को एक्सफोलिएट करेंगी बच्चियां 5 मिनट्स के लिए। उनसे कहना है कि आपने ब्रश कर लेना है, उसके बाद जो है 5 मिनट्स के लिए इसको लिप्स को आपने एक्सफोलिएट करना है, और उसके बाद वॉश कर देना है। अच्छा, ये फूड कलर है, इसका कोई जो है साइड इफेक्ट भी नहीं है, ये आप हाँ यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देख सकते हो, ये जो है लाइट से जो है इसमें कलर भी ऐड हो चुका है, और अगर डेली करेंगी बच्चियाँ तो लिप्स जो है वो जबरदस्त पिंक हो जाएंगी। इसको किसी भी कंटेनर में डालना है आपने, और इसको रख लेना है वॉशरूम में। अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं, जब एक्सफोलिएट कर लेंगी तो सेकंड स्टेप क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ जी। सेकंड स्टेप जो है वो मैं इसका लिप बाम बना रही हूँ, और इसमें जो है मैंने 1 teaspoon जो है डाल दिया है कोकोनट ऑयल, और इसमें डाल रही हूँ
ये हाफ टी स्पून जितने ग्लिसरीन, और नीचे जो है मैंने हॉट वाटर रखा हुआ है उसमें ये मेल्ट कर लूंगी। जब तक ये मेल्ट हो रही है इसमें हम और चीजें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ग्लिसरीन, ये भी जो है लिप्स को बहुत सॉफ्ट बनाएगी। और आप यकीन करें ये टू स्टेप्स जो है अगर आप फॉलो करवा देते हैं अपनी बच्चियों को और आप खुद भी करते हो तो आपके लिप्स से जो है डलनेस ड्राइनेस खत्म होगी और आपके लिप्स जो हैं पिंकी पिंकी हो जाएंगे। इस तरह इसको मेल्ट करना है। अच्छा, और इसकी जो है थोड़ी सी अगर इसमें फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं तो क्या ही बात है, बच्चियां बहुत शौक से लगाती हैं। ये रोज ऑयल है मेरे पास, आपके पास कोई भी खुशबूदार ऑयल है तो उसके फ्यू ड्रॉप्स जो है उसमें आप ऐड करते हैं। अच्छा, बात जो है फिर यहाँ तो खत्म नहीं होती क्योंकि ग्लॉस जो है लिप ग्लॉस या लिप बाम जो है बच्चियों को वो भी पिंकी पिंकी चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास पिंक लिपस्टिक है। आपके पास जो भी आप कलर उसमें ऐड करना चाहो, वैसे पिंक ही मुनासिब लगता है, अच्छा लगता है क्योंकि हमने लिप्स को पिंक बनाना है तो पिंक ही यूज करेंगे। इसमें थोड़ा सा जो है लिपस्टिक को कट करके ऐड कर लेना है। इसको अब किसी भी कंटेनर में या इस तरह की लिपस्टिक में भी आप डाल के रख सकते हो। लिपस्टिक से वैसे ज्यादा हैप्पी होते हैं बच्चियां कि हम लिपस्टिक लगा रहे हैं। ये इस तरह इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगी और लिप्स पे लगा लेंगी। ये आप अपनी बच्चियों के लिए भी बना के रख सकते हो और अपने लिए भी बना के रख सकते हो। इसको करें बंद और थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये बहुत जबरदस्त जो है ग्लॉस बन के तैयार हो जाएगा। उम्मीद करें मुझे वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए अगर इसी तरह आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए।